लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वैसा तो कुछ भी नहीं है, कल रात ही माल भेज दिया था। ओए क्या है ये? अरे क्या कर रहे हो? क्यों रे, दवाई कंपनी का नाम रख के नकली दारू बना रहा है? जानते नहीं तुम किसकी फैक्ट्री है ये? किसकी है? माइकल राज। यही सवाल कोर्ट में वकील पूछेगा तो माइकल राज बोलोगे? डर क्यों रहे हो? अभी हम इस जगह को कबाड़खाना बना देंगे। जब माइकल राज पूछेगा किसने किया तो बिना डरे मेरा नाम बता देना, प्रताप। क्या बोलेगा? प्रताप। क्या नाम बताएगा? प्रताप। प्रताप, प्रताप अच्छा नाम है। लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ भाई, उस दिन हमारे आदमियों को मारा और अब हमारे बिजनेस में क्रॉस कर रहा है वो। अब वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। सुब्बराव। तू ही प्रताप है क्या? तुझे माइकल राज ने बुलाया है। किस लिए? हम कारण नहीं बताते। बिना कारण जाने ये प्रताप किसी से नहीं मिलता। क्या चर्बी है? मैं कौन हूं तू जानता नहीं है? जानता हूँ। दूसरों की जूठन खाने वाला एक कमीना है तू। ए, तू सीधी तरह से आएगा तो वैन में बिठाऊंगा, वरना अर्थी से जाऊंगा। अगर तू अपनी अर्थी नहीं उठवाना चाहता है तो शराफत से यहाँ से चला जा। मेरी अर्थी उठवाएगा?
माइकल राज प्रताप प्रताप प्रताप, हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं जख्मी शेर हूं, मुझसे टकराना छोड़ दो। हो सके तो अपने इरादे बदल लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें सुधारने का या ठीक करने का काम मेरा नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। गुंडों को बैकबोन बनाकर तुम गुंडा राज चला रहे हो। अपना ये गुंडा राज बंद कर दो, वरना आज समझाने वाला ये प्रताप कल तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए यमराज बन जाएगा। हवा अपना रुख बदलती है, उगने वाला सूरज भी डूबता है। तुम भी इंसान बन जाओ, नहीं तो अगले कॉफिन बॉक्स में तुम नजर आओगे। मतलब प्रताप का कुछ नहीं कर सकते? क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुझे 10 लाख रुपए खर्च करके एमएलए बनाया, इस निकम में को इंस्पेक्टर बनवाया, क्यों रे? तू भी कुछ नहीं कर सकता? मेरा कहना कुछ गलत ना समझिए सर, उस गांधीनगर मोहल्ले के लिए प्रताप एक गॉडफादर बन चुका है। कोई भी झूठा केस डाल के उसको अरेस्ट करना चाहता हूँ। उस मोहल्ले के लोग स्टेशन की घेराबंदी करके हंगामा करते हैं। लगता है अगले इलेक्शन में एमएलए बन जाएगा वो। अगर हो सके तो करो, बोलो मत, प्रताप के बारे में बोलो मत। जाओ, चले जाओ, जाओ यहां से। सुनो हा? तुमने जो नोट दिया नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगी? इसमें इतना बड़ा खड्डा है। तुम्हारी होटल के बड़े में भी तो बहुत बड़ा खड्डा है। ले, तुम खड्डे की बात क्यों कर रही हो? उसने नोट दिया सीधा लेके अंदर कैश बॉक्स में डाल देना चाहिए ना। नमस्कार, मुख्य समाचार। शहर में जहरीली शराब धूमधाम से बिक रही है। खबर है कि कल 5 कॉलेज स्टूडेंट, 3 सभ्य परिवारों की लड़कियां जहरीली शराब पीने के कारण अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रही हैं। इस सब को रोकने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो तुरंत एक्शन ले। क्या हुआ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं। वेलकम वेलकम। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी और बेटा प्रणव। नमस्ते। ये दिनेश और उनके माता पिता। जाओ प्रिया से कहो कॉफी लेकर आओ। एक मिनट यहाँ आइए। क्या बात है लक्ष्मी? प्रिया अभी तो कॉलेज से नहीं आई। आज मंगनी है, जानते हुए कॉलेज क्यों भेजी? कोई स्पेशल क्लास थी, 1 घंटे में आ जाऊंगी कहा था। उसने कहा और बिना सोचे समझे तुमने भेज दिया। प्रताप जी, डैड, मैनेजर वर्मा कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हैं। तुम्हारी बहन कॉलेज गई है, उसे ले आओ। ठीक है, तुम जाकर कॉफी ले आओ। प्रिया कॉलेज गई है, प्रताप उसे लेने गया है, तुरंत आ जाएगी। आज मेरी मंगनी होने जा रही है,
घर जाकर अपनी मम्मी डैडी को मैं क्या कहूंगी? मुझ पर जान छिड़कने वाले अपने भैया से क्या कहूंगी? इस शादी से मैं इनकार कर दूं या फिर तुमसे मैं प्यार करती हूँ ये जाकर उनसे कहूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ये लो जूस पियो। मुझे नहीं चाहिए। हे ये बस कूल ड्रिंक्स है, कम ऑन यार, टेक इट इजी। तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी डैडी और भाई से मैं बात करूंगा। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। इसे पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? सालों से भूमि चक्कर काट रही है, तुम्हें एक दिन चक्कर आए तो कोई खास बात नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन। अरे लड़की जब आएगी तब आएगी, शुभ मुहूर्त में मंगनी कर लेते हैं। साहब जी एक मिनट। एक मिनट अभी आ। ठीक है। क्या हुआ जी? ड्राइवर गाड़ी निकाल। ड्राइवर गाड़ी रोको। जमाना आ गया है, न्याय देने वाले जज साहब की बेटी सरेआम खुलेआम दारू पी के इस तरह यहाँ पड़ी हुई है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे बड़े घरों में सब ऐसा ही होता है, बाहर से देखो तो आलीशान होते हैं, अंदर जाकर देखो तो कूड़े के ढेर होते हैं। अरे लड़की बिगड़ गई तो क्या हुआ, दौलत कौन सा कम है, किसी के सर पे मुड़ देंगे उसको, क्या फर्क पड़ता है। अरे मालिक मालिक मालिक, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? ये तो चुपचाप जा रहे हैं। सर बीमार। सर बेबे डैडी ऊपर ही हैं जी। हाँ। अच्छा मालिक ये आपने क्या किया? मालिक आपने आज तक सैकड़ों फैसले किए हैं जिसमें सत्य है, लेकिन बिना किसी अपराध के आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया मालिक, क्यों लिया मालिक? ये कैसा इंसाफ किया आपने?
हेलो मिस्टर प्रताप। लिली पार्टी किसे ढूंढ रही है? हाँ डार्लिंग, हमारे विमल की लवर प्रिया का भाई है ये। मेरी बहन कहाँ है? वहीं है भाई, उस बंगले के पास। हमें नहीं पता भाई। कुछ भी बोल यार, तेरी बहन है बहुत सेक्सी। मेरी बहन कहाँ है? उसकी नशीले आंखें, उसका नोकीला नाक, उसकी सुराईदार गर्दन। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता। हेलो विमल, प्रिया का भाई तुम्हें खोज रहा है, यहाँ हमारे आदमियों को भी मार रहा है। तुम शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ फौरन। हाय भैया। सिंगापुर की ट्रिप कैसी रही? फैंटास्टिक। विमल भैया आप कैसे हैं भैया? नमस्ते भाभी। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, इतनी सारी बैंडेज लगाई है आपने। और कुछ नहीं, चलो 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 चलो। कपड़े जो दिए थे पूरे है ना, गिन लो। ले पकड़। एक, दो। अच्छा ये क्या, दूसरे के घर की साड़ी लाके यहाँ दे रहे हो? वैसे ये साड़ी है या कोई पत्थर, इतनी भारी है। मैडम किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, मगर इस साड़ी के बारे में मत पूछो। वैसे तू क्या जानता है? हाँ ऐसे पूछो, तुम्हारी जैसी गोरे बदन वाली लड़की जब इस साड़ी को पहन के बलखाती हुई गांव के खेतों में जाएगी तो तुम्हारे चाहने वाला आ। प्रताप, प्रताप, प्रताप। क्या बात है वर्मा? अपनी प्रिया के कॉलेज का फोटो छपा इस अखबार में। क्या कह रहे हो? ये देखो। उल्लू का पट्टा सिंगापुर से चेन्नई आ चुका है, अगर उसका पता चल गया तो हमारी बहन का भी पता चल जाएगा।